एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उनका नाम है मिन्हाज मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने, जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी, उस पर उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड बगारिया जेहटा बरावन कला दुबग्गा थाना काकोरी, तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ थाना मड़ियाहूँ मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी।